अहमदाबाद टेस्ट में विराट कोहली ने शानदार 186 रन बनाए। यूं तो विराट कोहली के नाम 75 इंटरनेशनल शतक है, लेकिन ये जो शतक था ये सबसे खास था क्योंकि एक बहुत लंबे इंतजार के बाद आया। विराट कोहली ने टेस्ट मैचों में अपना आखिरी शतक 2019 में लगाया था। उसके बाद 2020, 21, 22 में उनके नाम कोई टेस्ट शतक नहीं था। 2023 में विराट कोहली के बल्ले से फिर निकला टेस्ट शतक, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में। चौथे टेस्ट के चौथे दिन एक अहम पारी विराट कोहली ने खेली, पूरा हिंदुस्तान झूम उठा उनके शतक के बाद। विराट कोहली ने एक शानदार 186 रनों की पारी खेली, दोहरा शतक वो नहीं लगा पाए, लेकिन उनका जो शतक था वो अपने आप में भरपूर था। हर किसी ने उनके शतक का आनंद लिया। शतक पूरा होने के बाद विराट कोहली ने वो किया जो अक्सर वो करते हैं, उन्होंने अपना लॉकेट बाहर निकाला, उसे किस किया और आसमान की तरफ देखा। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर विराट कोहली ऐसा क्यों करते हैं। हमने कई बार देखा है विराट कोहली को ये करते हुए, तो इसे पूरा जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल बात 2018 की है, सेंचुरियन में टेस्ट मैच हो रहा था, विराट कोहली ने एक शानदार शतक लगाया। उस दिन मैदान में अनुष्का शर्मा भी मौजूद थी। शतक के बाद विराट कोहली ने अपने लॉकेट को बाहर निकाला, उसे किस किया। अब बहुत से लोगों को लगता है कि उस लॉकेट में ऐसा कुछ खास है, किसी ने उन्हें गिफ्ट किया होगा, मगर ऐसा नहीं है। वो लॉकेट भी नहीं है, वो दरअसल विराट कोहली की बैटिंग रिंग है जो वो उसे अपने साथ पहन कर रखते हैं। और जब भी कोई बड़ी पारी खेलते हैं तो उसका क्रेडिट वो अनुष्का शर्मा को देते हैं। कई इंटरव्यूज में विराट कोहली बता चुके हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा है। जब उनकी लाइफ में कोई बुरा दौर आता है या फिर कोई ऐसा टाइम आता है जब वो थोड़े से टूट जाते हैं, तो अनुष्का शर्मा के पास जाते हैं। अनुष्का शर्मा उन्हें संभालती है और अनुष्का उन्हें पूरी तरह से मोटिवेट करती है। ऐसा विराट कोहली अक्सर मैच के बाद बड़ी इनिंग आती है जब तब, या फिर बड़ी इनिंग नहीं आती तब भी ये कहते रहते हैं कि अनुष्का शर्मा उनका सपोर्ट सिस्टम है। वहीं एक दूसरी बात आपको बता दूं कि विराट कोहली के साथ एक नाम जुड़ता है, चीकू। आप कहेंगे विराट कोहली का निक नेम है ये, तो दरअसल विराट कोहली का ये निक नेम नहीं है। इस नाम के पीछे भी एक कहानी है जो विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में खुद बताई। विराट कोहली का कहना है कि जब वो रणजी खेलते थे उस दौरान एक बार उनके बाल झड़ने लगे। उस दौरान उन्होंने अपने बाल बहुत छोटे करा दिए थे और उनके कान बहुत बड़े बड़े दिखने लगे थे, तो रणजी के जो कोच थे उन्होंने विराट कोहली को चीकू नाम दिया था। और विराट कोहली कहते हैं इस नाम को फेमस करने का श्रेय जाता है महेंद्र सिंह धोनी को, जिन्होंने स्टंप के पीछे से स्टंप पाइक में कई बार चीकू चीकू कहकर बुलाया, जिसे आमतौर पर विराट कोहली को लोग चीकू कहने लगे। विराट कहते हैं कई बार उन्हें फैंस मिलते हैं जो आमतौर पर उन्हें विराट नहीं बल्कि चीकू के नाम से बुलाते हैं। तो खैर विराट कोहली की स्पेशल पारी आ चुकी है, अब इंतजार है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विराट कोहली क्या करते हैं ये देखने लायक।